URL sorting and unsorting, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये जानकारी में भी पॉसिबल है कि ये होगी कि URL sorting क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि URL sorting की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर URL sorting जानते हैं तो फिर URL unsorting के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको URL unsorting के बारे में डिटेल में जानकारी रखनी चाहिए, इसी के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। सबसे पहले ये समझते हैं कि URL sorting क्या होता है। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि URL को सॉर्ट कर देना, छोटा कर देना, ये होता है URL sorting। अब भैया URL sorting की ज़रूरत पड़ती क्यों है? देखिए, जब भी आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो वेबसाइट का URL बहुत लंबा हो सकता है, कुछ वेबसाइट का URL छोटा होता है, लेकिन मैक्सिमम वेबसाइट का जो ओरिजिनल URL होता है वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि वो वेबसाइट का डोमेन नेम होगा, इसके बाद हो सकता है उसमें डेट होगा, और इसके बाद जो है जो टाइटल रहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है वहाँ पे मैटर लिखा जाता है, नंबर के बदला जो है वो कॉन्टेंट रहता है, जिस कारण से URL जो है बहुत लंबा हो जाता है, उसका लेंथ बहुत लंबा होता है, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है आपके साथ या किसी के साथ? प्रॉब्लम ये होगी कि जब उस URL को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऐसे में वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। सपोज डैट किसी URL के किसी वेबसाइट के पेज को आप ट्विटर पे शेयर करना चाहते हैं तो क्या होगा कि उसमें तो लिमिटेड कैरेक्टर होता है। अब भैया सोच के देखिए कि जब लिमिटेड कैरेक्टर पता चलेगा कि किसी किसी URL का जो है जो लिमिटेशन है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा कैरेक्टर, और कभी कभी मान लीजिए कि URL की संख्या कम रहेगी, उसमें कैरेक्टर कम रहेगी, लेकिन फिर कंटेंट लिखना चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सॉर्टेड URL, मतलब कि छोटा सा URL जो कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लेके आएगा, मतलब उसी वेबसाइट पे लेके आएगा, लेकिन उसका URL लिंक में जो कैरेक्टर होगा वो बहुत कम रहेगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा URL sorting के मेथड से। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि कोई वेबसाइट है जो मान लीजिए कि या तो अपने से बना सकते हैं, आप प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी और सर्विस का, जहाँ पे ट्रैकिंग हो सकता है, बहुत सारा फैसिलिटी रहता है। तो सपोज डैट कि आप किसी लिंक को जो है URL sort करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा? गूगल में जाइए, बहुत सारे URL sorting होगा, जैसे बहुत सारे सर्विसेस हैं उसमें से एक है जैसे बिटली BITLY या BIT.LY, इस टाइप के जो आप देखते हुए के लिंक वो URL sorted URL रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो समझ गए कि URL sorting की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सिंपल सी बात है कि आपको जो है उतना लंबा लंबा कैरेक्टर वाला लिंक शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए URL sorting की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कैसे करें ये भी आप जान गए कि बिटली की मदद से, या बहुत सारे आप गूगल में सर्च कीजिए, URL sorting सर्विस आपको मिल जाएगा, बहुत सारे फ्री है आपको। बिटली में फ़ायदा ये होगा, एक तो कम्प्लीटली फ्री है, दूसरी बात आप ट्रैक कर सकते हैं, एक एक लिंक को ट्रैक कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड होती है इस कंपनी के द्वारा। अब दूसरा URL unsorting क्या होता है? सो सिंपल, इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, इसका उल्टा प्रोसेस होगा, मतलब आपको छोटा सा URL मिलेगा, आप नहीं जानते हैं कि किस वेबसाइट का URL है, ये जानना चाहते हैं, तो बस URL unsorting प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए इसके पीछे का लिंक कौन सा होगा ये आप जान सकते हैं कि ओरिजिनल लिंक जो है क्या है, ये होता है URL unsorting करना। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सपोज मानिए कि बिटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है, ठीक, यहाँ पे मैं भी आया, जेन्युइन लिंक है, मेरा अपना ही लिंक है, या कोई अफिलिएट लिंक है, या बहुत सारे जो ओरिजिनल लिंक है लंबा है उसको छोटा करने के लिए मैं बिटली पे कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि कोई ख़राब आदमी है जो कि कुछ इलीगल वेबसाइट या कोई ऐसे वेबसाइट जहाँ पे आप विजिट करने के बाद आपको नुकसान हो सकता है, आपका इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, उस वेबसाइट का लिंक उठाया, वो भी बिटली की मदद से वो URL को सॉर्ट कर लिया। अब क्या आप डिफरेंस कर पाइएगा कि कौन सही है कौन गलत है, मैं सही हूँ या वो सही है, या वो गलत है या मैं गलत हूँ, क्या है? अगर मैं सही हूँ, आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, तो मैं तो वहाँ पे जो भी लिंक दूंगा उस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, लेकिन जिस पे विश्वास ना हो, क्या पता वो सही लिंक दे रहा हो या गलत लिंक भी दे सकता है। ऐसे में आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे विश्वास ना हो तो क्या कीजिए, URL unsorting सर्विस को इस्तेमाल कीजिए, कोई भी सॉर्टेड URL है वहाँ पे उसको डालिए, वो क्या करेगा उसके पीछे जो लिंक होगा जो वहाँ पे रिडायरेक्ट करता है वो आपको खोल के बता देगा, आपको लग जाए कि चलिए भैया ये ओरिजिनल लिंक है, सही लिंक है, यहाँ पे जाने पे कोई जो है खतरा नहीं है, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं। यही होता है दोस्तों, एक होता है URL sorting, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है URL unsorting, दोनों जो है फायदेमंद है अपने अपने जगह पे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर कोई ऐसे जगह पे है जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं है कि ये लिंक वहाँ पे सेंड कर सकता है, तो ऐसे में आप
URL अनसॉर्टिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ये बहुत ही नॉलेजफुल है और अभी के ट्रेंड जो चल रहा है URL सॉर्टिंग का, इसमें आपको फायदेमंद है और सभी के लिए फायदेमंद है। हो सकता है कि आपके आसपास या आपका दोस्त नहीं जानता हो, ऐसे में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरी बात कि आप कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि आप क्या खुद URL सॉर्टिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं या URL सॉर्टिंग सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने का तो बनता ही है। एनीवे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।